हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष्मान और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे आसियाना ऑटो सेल आ चुकी है। जैसा देख सकते हैं मैं पीछे यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लगी कि बहुत लोग की डिमांड आई थी कि भाई हमें R1 पे वीडियो बनाइए, बुलेट पे वीडियो बना लीजिए, मैं उन्हीं के लिए वीडियो लेकर। तो चलते शॉप के ओनर के पास एक एक की डिटेल जानते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप डोमिनो देख रहे हैं 2017 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो आराम से ये 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, सेकंड ओनर गाड़ी है। प्राइस की बात की जाए तो 1,10,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो आराम से इसका 25 से 27 का निकल आता है माइलेज, क्योंकि ये 400 सीसी की गाड़ी है। काफ़ी बड़ा इंजन इसमें लगा हुआ है, 2017 मॉडल है और 1,10,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। अब इसके बाद आ गई R15 वर्जन 3 ब्लू कलर की, 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 1,35,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसका माइलेज 40 से 45 का आराम से निकल आता है, काफ़ी अच्छा माइलेज इसका होता है, 150 सीसी की गाड़ी होती है। अब इसके बाद आ गई पल्सर 220। काफ़ी ज़्यादा लोग की डिमांड रहती है कि हमें भाई पल्सर 220 पे वीडियो बना दीजिए, तो आप लोग के लिए भाई आ गई पल्सर 220 2015 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 6,000 किलोमीटर चली है और ओनरशिप फर्स्ट है। प्राइस की बात की जाए तो सिर्फ 62,000 रुपीज़ मांग रहे हैं, मतलब 62,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा, ये वाली गाड़ी भी फाइनेंस हो जाएगी। अब इसके बाद आ गई है बुलेट क्लासिक 350 आर्मी कलर 2020 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 4,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट होना है। प्राइस की बात की जाए तो 1,95,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो आराम से इसका 40 से 45 का निकल आता है माइलेज। अब इसके बाद आ गई बुलेट ब्लैक कलर की 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 7,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 1,80,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। एक फिर से आ गई बुलेट क्लासिक 350 ब्लैक कलर की 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 4,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो इसका भी सेम प्राइस है, 1,80,000 रुपये। माइलेज की बात की जाए तो इसका आराम से 40 तक निकल आता है माइलेज, बुलेट का 35 से 40 तक निकल आता है। अब इसके बाद आ गई होंडा की शाइन 125 सीसी की 2018 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 62,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम कर देंगे, ये वाली भी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो आराम से इसका माइलेज 50 तक निकल आता है। अब इसके बाद आ गई सुपर स्प्लेंडर 2021 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ 4,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 75,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम कर देंगे, और इसके माइलेज की बात की जाए तो आराम से 50 से 55 का आराम से माइलेज निकल आता है। अब इसके बाद आ गई पल्सर 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 6,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 75,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा, याली भी गाड़ी फाइनेंस हो जाएगी। माइलेज की बात की जाए तो इसका भी 40-45 का आराम से निकल आता है। अब इसके बाद आ गई अपाचे 2018 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 48,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम कर देंगे। जुपिटर 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ 6,000 किलोमीटर चली है और फर्स्ट ओनर है। प्राइस की बात की जाए तो 62,000 रुपीज़ मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। 19 मॉडल 6,000 किलोमीटर चली हुई और फर्स्ट ओनर और 62,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। माइलेज की बात की जाए तो इसका भी आराम से 40-45 का निकल आता है। इसके बाद आ गई है वेस्पा 2020 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो 8,000 किलोमीटर चली और फर्स्ट होना है। प्राइस की बात की जाए तो 70,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम हो जाएगा। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो आराम से इसका भी 40 तक आराम से निकल आता है। अब इसके बाद आ गई TVS की विक्टर 2019 मॉडल है। किलोमीटर की बात की जाए तो सिर्फ दिए 10,000 किलोमीटर चली और फर्स्ट होना है। प्राइस की बात की जाए तो 50,000 रुपये मांग रहे हैं और इसमें भी कुछ कम कर देंगे। अगर इसके माइलेज की बात की जाए तो इसका भी माइलेज बहुत अच्छा होता है, 50 से 55 का आराम से निकल आता है।
19 मॉडल और 50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।